पारी का पहला ओवर डालेंगे। प्रवीण सामने है, विनो पांच ओवर का यह मैच, एक गेंदबाज दो ओवर करा सकता है बाकी, एक एक ओवर। अंपायर ने दी अनुमति, लंबा रन अप, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, सामने विनो और वहां पर काफी दूर खेल दिया, मिलेंगे मात्र दो रन। दूसरी मत का प्रवीण फिर से चले, अंपायर को किया पार, ये गेंद फिर से खेल दिया है उसी दिशा में, मिलेंगे मात्र दो रन। अगली मत फिर से चले प्रवीण, काफी बढ़िया गेंद, रन आउट का भी चांस था, काफी बड़ा यह मैच, काफी प्रतिभाशाली टीम है। अगली मत फिर से चले प्रवीण, सामने काजी और वहां पर लंबा हिट, मिलेंगे पूरे छह रन। अगले मतलब फिर से चले प्रवीण और वहां पर समझ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड, वहां पर काजी पहले विकेट का पतन, काफी बड़ा यह विकेट। अंतिम मतलब चलेंगे प्रवीण, सामने है अज्जू, अंपायर को पार किया ये गेंद और वहां पर लंबा दुरहार अज्जू के बल्ले से, अंपायर का निर्णय छह रन। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति से स्कोर है 17 रन। विक्की पारी का दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं विक्की, सामने भी फुल टॉस गेंद और काफी बढ़िया शॉट, मिलेंगे पूरे छह रन। दूसरी मत पर चले विक्की, छोटा रन अप, अंपायर को पार किया, सामने विनू और इंतजार किया लेकिन खास संपर्क नहीं, गेंद बल्ले का, मिलेगा मात्र एक रन। अगले मत पर फिर से चले विक्की, सामने है अज्जू और तुम्बलिंगकर, छोटा गेंद था, डिजाइन गेंद, अंपायर का निर्णय व्हाइट बॉल। अगले मत पर फिर से चले, अंपायर को किया पार, ये गेंद सामने अज्जू और क्लीन होल्ड कर दिया, वहां पर समझ नहीं पाए, एक और विकेट का पतन वहां पर एशियन डायनामाइट के लिए। विक्की अगली मतबा, सामने है संदीप, ऊंचे लंबे कद के बल्लेबाज, पहली गेंद हल्के हाथों खेला, मिलेगा मात्र एक रन। विक्की अगली मतबा फिर से चले, सामने है विनो और वहां पर काफी बढ़िया शॉट, मिलेंगे मात्र दो रन। अंतिम मतबा चले विक्की, सामने है विनो, स्लो रन थी जिसे हल्के हाथों खेला, मिलेगा मात्र दो रन। ओवर की समाप्ति, दो ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 30 रन, दो विकेट के नुकसान पर। सन्नी पहली गेंद समझ नहीं पाए बल्लेबाज, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दूसरी गेंद व्हाइट बॉल, तालमेल की कमी वहां पर दोनों बल्लेबाजों में, खिलाड़ी बॉल के नीचे पर खिलाड़ी से खासा दूर, मिलेंगे पूरे छह रन। अंतिम मतलब
पर क्या तो खेल गया एक किस्मत थी और किस्मत में स्कोर है 44 रन पहुंचे हैं विकी पहली गेंद वहाँ पर ऑफसाइड में खिला मिलेगा वहाँ एक रन दूसरी गेंद लेकर चले विकी सामने है सोचो अंपायर को पार किया ये गेंद वहाँ पर काफी कड़ा प्रहार मिले के पूरे 6 रन 10 गेंदें फेंकी जानी शेष सामने आक्रामक बल्लेबाज सोनू बढ़िया बात है इन्हीं 6 रनों के साथ टीम का स्कोर 50 रन अगली बार तो फिर से काफी खराब गेंद फिर से 6 रन अगली बार तो फिर से चले विक्की फिर से लंबे प्रहार के लिए खिलाड़ी बॉल के पीछे काफी बढ़िया कैच वहां पर विकेट का पतन जानी शेष अगली बार तो कैसे चले अंपायर को चप्पल छोटा गेंद और सीधे बल्ले से मिलते मिलेंगे 6 रन कमेटी के सदस्यों से रिक्वेस्ट है कि बॉल को तेजी से लाते रहे अंतिम अथवा चले विकी सामने भी तू वहां पर हवा में गेंद खिलाड़ी से खासा दूर मिलेंगे 6 रन 4 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 68 रन देखते हैं क्या करते हैं पहली गेंद छोटा गेंद खिलाड़ी हल्का सा दूर रन आउट का चांस लेकिन चूंकि करें बल्लेबाज विभिन्न का आवश्यकता लंबे प्रहार की हिम्मत वहां पर को पार किया गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं डॉट गेंद स्कोर रुका हुआ 69 पर अगली मैच तो फिर से चले और लेग साइड में खेल दिया मिलेगा मात्र एक रन इस पारी की 3 गेंदें शेष सामने है उदय अंपायर को पार किया ये गेंद गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं काफी बढ़िया गेंदबाजी वहां पर पांचवी मरतबा चले बिन्नो सामने है उदय और वहां पर गेंद बल्ले का खास संपर्क नहीं मात्र एक रन पंक्ति मरतबा बिन्नो सामने है बिन्नो हवा में गेंद खिलाड़ी बॉल के नीचे और काफी बढ़िया कैच वहां पर ओवर की समाप्ति आवश्यकता 72 रनों की 30 गेंदों में और काफी बढ़िया गेंद वहां पर रक्षात्मक तरीके से खेला कोई रन नहीं दूसरी गेंद लेकर चले सोनू सामने है रवि अंपायर को पार किया ये गेंद स्लो रन गेंद थी काफी बढ़िया गेंद समझ नहीं पाए बल्लेबाज एक ऑल आउट गेंद वहां पर सोनू द्वारा तीसरी मरतबा सोनू लंबा रन अप दौड़ना शुरू किया छोटे छोटे कदम से अंपायर को पार किया सामने रवि काफी बढ़िया गेंद सीधे बल्ले से खेल गया मिलेंगे पूरे 6 रन आवश्यकता भी इस तरह के लंबे प्रहार की लंबा प्रहार किया रवि ने अगली बार फिर से दौड़ना शुरू किया अंपायर को क्या पार किया गेंद और काफी तेज गेंद गेंद बल्ले का खासा संपर्क नहीं मिलेगा मात्र एक रन सोनू अपनी मत फिर से अंपायर को क्या पार काफी चुस्त विकेट के पर बिन्नू वहां पर रिंकू दौड़ना शुरू किया वहां पर अंपायर को पार किया सामने है रिंकू और काफी बढ़िया तरीके से खेला मिलेंगे पूरे 6 रन ओवर की समाप्ति एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 13 रन सामना करेंगे सलामी बल्लेबाज रवि दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार किया पहली गेंद स्लो रन हवा में गेंद खिलाड़ी बॉल के नीचे और काफी बढ़िया कैच वहां पर एक और विकेट का पतन काफी बड़ा यह विकेट क्योंकि काफी आक्रामक बल्लेबाज है रवि जेएमडी बड़ों की वहां पर चिंताएं थोड़ी सी बढ़ती हुई क्योंकि काफी उम्मीद थी रवि से विक्की सामने है रिक्कू ये चले आज अगली मतलब फिर से दिशा से बट के अंपायर का निर्णय वाइट बॉल माउंटेन स्ट्राइकर सौतलवा से नाल बेरा के बीच अजय अगली मतलब फिर से चले काफी बढ़िया गेंद
लौट गए हैं। अजय अगली बार तो फिर से चले सामने रिंकू और क्या तो खिला ऑफ साइड में मिलेगा मास्टर देख रहा है। अगली बार तो फिर से चले पर हार करना चाहते थे लेकिन खासा संपर्क नहीं मिलेगा मात्र एक रन। अगले मैच में फिर से क्या तो खेला एक रन की प्राप्ति। अगले मैच में फिर से चले अजय अंपायर को क्या पार और रक्षात्मक तरीके से खेला कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति दो ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर लेकर आए हैं सुनील अंपायर को पार किया काफी बढ़िया गेंद दिशा से बट के अंपायर का निर्णय वाइड बॉल। इस मतलब फिर से चले सामने है रिंकू अंपायर को पार किया ये गेंद गेंद वाले का कोई संपर्क नहीं डॉट गेंद वहां पर सुनील द्वारा। अगली बार तो फिर से सुनील 12 नंबर जर्सी पहने अंपायर को क्या पास और वहां पर काफी खराब गेंद सही नसीहत दी मिलेंगे पूरे 6 रन। अगली बार सुनील वहां पर कड़ा प्रहार करना चाहते थे खिलाड़ी को खिलाड़ी से थोड़ा सा गेंद का रुख बदला तो फिर से चले अंपायर को किया पार ये गया और खिलाड़ी बॉल के नीचे काफी बढ़िया फील्डिंग मिलेगा मात्र एक रन। काफी बढ़िया गेंदबाजी मतलब फिर से फुल टॉस गेंद लंबा प्रहार पर मिलेंगे मात्र 2 रन सीधे बल्ले से स्कोर रुका हुआ 28 रन। अंतिम अथवा सामने है रिंकू अंपायर को क्या पार मिलेंगे फिर भी 2 रन। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 30 रन। और वहां पर सीधे बल्ले से खेला मिलेंगे पूरे 6 रन काफी खराब गेंद अभी भी 11 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता बराबरी में। अजय अगली मैच में फिर से चले अंपायर को क्या पार खिलाड़ी बॉल के नीचे और आसान सा कैच वहां पर सुनील द्वारा। अगली मैच में फिर से चले अजय अंपायर को क्या पार और लंबा प्रहार करना चाहते थे खिलाड़ी बॉल के नीचे बढ़िया कैच वहां पर सनी द्वारा एक और विकेट का पतन। गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं मिलेगा मात्र बाकी फिर से चले खिलाड़ी बॉल खिलाड़ी से थोड़ा सा दूर मिलेगा मात्र एक रन। हार के तभी वह इस मैच को जीत सकते हैं। अगले मैच फिर से चले और सीधे बल्ले से खेला मिलेगा मात्र एक रन। 4 ओवर की समाप्ति में स्कोर है 39 और पारी का अंतिम ओवर लेकर आए हैं अक्षय अंपायर को पार क्या पहली गेंद वहां पर आते ही स्वागत गेंद का 6 रन के साथ 5 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता इसी तरह के लंबे प्रहार की। दूसरी मरतबा फिर से चले अक्षय अंपायर को पार किया ये गेंद बल्ले का खासा संपर्क रहे मात्र एक रन। अगली मरतबा फिर से चले अक्षय फिर से कड़ा प्रहार खिलाड़ी बॉल के नीचे अंपायर का निर्णय आना बाकी और वहां पर आउट।
अक्षय अगले मैच पर फिर से चले शुरू किया, फायर को पार किया ये गेंद और एक और विकेट का पतन वहां पर। चिमन दुबा फिर से चले अक्षय, मैच एक तरफा एशियन डायनामाइट पक्ष में, स्लो रन थी, अलग या तो खिला मिलेगा मात्र एक रन। अंतिम में इस मैच की